मेरे मित्र शरद जी के जन्मदिन पर मैं मेरी ओर से और अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा की ओर से सभी तरह की शुभकामना देना चाहता हूँ। शरद जी से मेरा परिचय करीब 35 साल पुराना है और बहुत ही कम शब्दों में अगर शरद जी को व्याख्यान करना हो या कुछ कहना हो तो मैं 4 लाइन में कह सकता हूँ कि मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, दिल में आग और माथे पे बर्फ। इन 4 लाइन से मैं शरद जी के पूरे व्यक्तित्व को डिफाइन करना चाहता हूँ कि मुंह में शक्कर जब भी बोले तो मीठा बोलते हैं, पैर में चक्कर अपने नज़दीकी परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए हमेशा चक्कर लगाने को कहीं भी जाने के लिए तैयार, दिल में आग परिचितों के लिए, दुर्बल लोगों के लिए कुछ करने की दिल में उनके आग है, और इतना सब होने के बाद में भी समाज में उल्हाने तो हमेशा तैयार रहते हैं, तो उनको सहने के लिए माथे पे बर्फ। ये चारों चीजें मिला के शरद जी का व्यक्तित्व बनता है। शरद मेरा कॉलेज का दोस्त है, बहुत एक्टिव तथा पढ़ाई में बहुत होशियार था, घूमने फिरने का शौक था और माता पिता की सेवा करना अपना फर्ज समझता था। साथियों, समाज सेवा में शरद की रुचि जागृत करने का कार्य मेरे पिताजी श्री रामचरण जी जिंदल के द्वारा किया गया और हमने 1974 में लियो क्लब की सदस्यता ग्रहण कर सेवा कार्य शुरू किया। उसके बाद में एक संस्था हमने बनाई सोहिफ, जिसमें भी हमने मिलकर बहुत कार्य किया। दोस्तों, शरद बहुत अच्छा लिखता है, उसकी जो सोच है वो बहुत उच्च कोटि की है, जिसका मुझे बहुत गर्व है। इतने सारे राष्ट्रीय सम्मान जो उसे मिले हैं वो काबिले तारीफ है और लगता है कि वो और ज़्यादा आसमान छुएगा। मैं आज उसका जन्मदिन है, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से उसको उसके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा बधाई। श्री शरद बाबू बागड़ी मेरे परिचित है, मेरे दोस्त है और करीब 30-35 वर्षों से मैं उन्हें पहचानता हूँ। ये उत्साही जिनमें समाज सेवा की लगन है, कई संस्थाओं में वो काम कर चुके हैं और हमें गर्व है कि हमारे विदर्भ सेवा समिति के एक सक्रिय कार्यकर्ता शरद बाबू है। वो अच्छा लिखते भी है, एक समाज के लिए कुछ करने की भावना है और समाज के लिए वो करते भी रहते हैं। अखिल भारतीय स्तर की पत्रिकाओं में उन्होंने लेख लिखे हैं, कई संस्थाओं ने उन्हें पुरस्कार दिया है, 20-25 अखिल भारतीय संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया है। मैं अपनी ओर से, मेरी संस्थाओं की ओर से और मेरे परिचित जितने भी लोग हैं उन सब की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके लंबी उम्र दे और समाज सेवा के क्षेत्र में वो इसी प्रकार और भी उत्साह से काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे और लोगों की, जो दलित पिछड़े लोग हैं, इनकी वो मदद करते रहे। आज हमारे मित्र करीबी परिवार के सदस्य शरद बागड़ी जी का आज जन्मदिन है, क्योंकि 9 का आंकड़ा दोनों के ही जीवन में भविष्य के हिसाब से बैठता है। मित्रों, शरद बागड़ी जी मेरे साथ कुछ 8-10 वर्षों से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या कर सकती है, इसका एक अच्छा उदाहरण डॉक्टर महेश जी तिवारी और इन्होंने मिलकर दिया। कलाकारों को उनको मंच उपलब्ध करा देना, कलाकारों का सत्कार करना, सम्मान करना और कला की दिशा में लोगों को किस तरीके से उनको प्रगति हो, इसकी चिंतन उन दोनों ने लगातार की, और इसलिए मैं विशेष रूप से उनका उस सहयोग के लिए, योगदान के लिए अभिनंदन करता हूँ। और इसलिए भिन्न भिन्न संस्थाओं ने उनको सम्मान के रूप में उनके सेवाओं को, उनके कार्यों का गौरव किया है। सक्रिय कार्य करते रहिए, निरोगी जीवन जिए और ईश्वर से प्रार्थना है कि इनको सारी शक्ति आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से ईश्वर इनको प्रदान करता रहे। नमस्कार शरद भाई। मैं आज शरद जी बागड़ी के जन्मोत्सव पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत सारी बधाइयां देता हूँ। उनके जैसा व्यक्ति नागपुर शहर में जिस तरह से कार्य करता है वो देश को जरूरत है। उनके कार्य की जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। शरद जी बागड़ी को मैं पुनः एक बार समर्पण सेवा समिति के सचिव होने के नाते उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।
धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत पिंपलवार। शरद बागड़ी जी जो मेरे बड़े भैया है, उनके जन्मदिवस पे उनको बहुत बहुत बधाइयां। बागड़ी जी के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि बहुत निस्वार्थ भाव से वो अपनी समाज की सेवा करते हैं। मोतीलाल ओसवाल के साथ वो पिछले 18 साल से जुड़े हुए हैं एंड पोर्टफोलियो कंसल्टेंट करके मोतीलाल ओसवाल के लिए नागपुर में वो बहुत फेमस है। और सबसे अलग चीज जो बागड़ी जी के जो मुझे समझ में आती है कि उनका फोरसाइटनेस जो है वो बहुत जोरदार है। मतलब वो आगे के जो विजन है उनका, उसको बहुत अच्छी से पढ़ लेते हैं। वो आने वाले 10 साल 15 साल की इकोनॉमी को बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा करेज, बागड़ी जी में जो करेज है वो बहुत ही सुंदर है। बहुत पेशेंस से, बहुत आराम से अपने डिसीजन पे वो कायम रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी विशिष्टताओं से हमारे बागड़ी भैया जी बने हुए हैं और मैं उनको, उनके पूरे परिवार को मेरी तरफ से शुभेच्छा देता हूँ। और बागड़ी जी का ऐसा ही सफलतापूर्व प्रयास है वो चलता रहे। थैंक यू वेरी मच। आज शरद बागड़ी जी का जन्मदिवस है, मैं उन्हें दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। शरद बागड़ी जी शून्य से विश्व का निर्माण करने वाले हमारे मार्गदर्शक, जिन्होंने समाज सेवा के साथ में अनेक दीन दुखियों की सेवा कर अपना नाम रोशन किया। शरद बागड़ी जी ने हम जैसे युवाओं को राजनीति में लाने का प्रयास किया और उसमें वे सफल भी हुए। शरद बागड़ी जी को आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि शरद बागड़ी जी की जो निस्वार्थ सेवाएं हैं उनसे हम लोगों ने प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शरद गोपीदास जी बागड़ी, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। आज आप लोग सब मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं। मैं आप लोगों का सबका दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और इसी तरह आपका हमारा स्नेह बना रहे, इसी तरह मुझे आप हौसला मिलता रहे, मैं समाज के कुछ काम आ सकूं, मैं इसके लिए आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद।